तो नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर से एक नई वीडियो के साथ आ गया हूँ। आज हम फिर से कंपाउंडिंग करने की कोशिश करेंगे, 5,000 रुपये से 2,00,000 तक कंपाउंडिंग करने की कोशिश करेंगे। देखते हैं कि हम 5,000 को 2,00,000 बना सकते हैं या नहीं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मेरे को एक पहला ट्रेड मिल रहा है जो कि मैं अप ट्रैक्शन के लिए फुल अमाउंट के साथ प्लेस कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ देखिए नीचे से मार्केट ने पहले 2 बार रेजिस्टेंस लिया और उसके बाद वहाँ पे ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पे सपोर्ट लेवल पे आ रहा है मार्केट। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से मार्केट अप ट्रैक्शन में जाएगा। तो मैंने यहाँ पे पूरी 100% अमाउंट के साथ यहाँ पे मैंने एक ट्रेड प्लेस कर दिया है। तो इस ट्रेड का रिजल्ट देखते हैं क्या होगा। तो फिलहाल तो हमारी ट्रेड विन में चल रही है, लेकिन देखते हैं एंड में रिजल्ट क्या होगा। मेरे अकॉर्डिंग तो ये ग्रीन ही कैंडल बनेगी, क्योंकि यहाँ पहले देख सकते हो मार्केट ने पहले 2 बार रेजिस्टेंस फेस किया है, उसके बाद ब्रेकआउट करने के बाद अब मार्केट रिटेस्ट करने आ रहा है। तो यहाँ से आई थिंक 100% मेरे हिसाब से तो यहाँ से ग्रीन कैंडल बनेगी। लेकिन फ़िलहाल तो हमारा ट्रेड पहले लॉस था, तो अभी प्रॉफिट में आ चुका है। तो यहाँ इस वीडियो में अपने शॉर्ट शॉर्ट पैटर्न यूज़ करूँगा, जो भी मुझे लगेगा अच्छा ट्रेड मिलेगा वहाँ पर हम ट्रेड करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे, क्योंकि 2,00,000 रुपये तक हमें अपना अकाउंट लेके जाना है, तो बहुत ज़्यादा अमाउंट होती है। तो ये चलो देखते हैं आगे क्या होगा। और ये वाला पहला ट्रेड तो हमारा विन हो चुका है 100% शो शॉट। चलिए आगे और ट्रेड ढूंढ लेते हैं, अगर हमें कोई अच्छा सा ट्रेड मिल रहा है इस मार्केट में। तो यहाँ पे तो मेरे को कोई खास ट्रेड लग नहीं रहा कोई मिलेगा। तो यहाँ USD JPY के चार्ट में देख लेते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हो कि यहाँ मेरे को एक डाउन डायरेक्शन के लिए एक ट्रेड मिल रहा है। तो मैं डाउन डायरेक्शन के लिए एक फुल अमाउंट के साथ मैंने ट्रेड ओपन कर दिया, क्योंकि आपको मैं बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ आप ऊपर देख सकते हो ऊपर हमें एक रेजिस्टेंस लेवल मिल रहा है। तो पहले ये सपोर्ट लेवल की तरह काम कर रहा था, लेकिन अब ये रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। और सेकंड रीज़न ये भी है कि जो प्रेजेंट कैंडल के पहले वाली कैंडल है वो डोजी फॉर्म हुई है, तो ना तो वो ऊपर जाने की कोशिश की उसने, ना वो नीचे ही आई है, तो डोजी बन गई। और ये वाली प्रेजेंट कैंडल 100% डाउन डायरेक्शन के लिए आएगी, रेड कैंडल बनेगी, क्योंकि पीछे एक तगड़ा रेजिस्टेंस लेवल है, तो ये डीप ITM होना चाहिए। तो बाकी आगे देख रहे हैं कि क्या होगा इस ट्रेड में, क्योंकि तो यहाँ देख सकते हो कि फ़िलहाल तो बहुत ही ज़्यादा डीप विन चल रहा है हमारा ट्रेड, और ये 100% विन होना चाहिए, क्योंकि पहले रेजिस्टेंस लेवल था, देखिए फिर पहले ब्रेकआउट दिया, उसके बाद रीटेस्ट करने जा रहा है, तो वहाँ से मार्केट नीचे आना चाहिए। तो ये वाला ट्रेड तो हमारा 100% शो शॉर्ट हो चुका है, और हमारे अकाउंट का बैलेंस भी 17,000 हो चुका है। तो चलिए आगे कोई और अच्छा सा ट्रेड फाइंड करते हैं, अगर हमें कोई मिलेगा। तो यहाँ पे मार्केट में लाइव मार्केट ओपन कर रहा हूँ, कुछ चार्ट्स देखते हैं अगर कोई मिलेगा। तो यहाँ देख सकते हो मुझे यहाँ पे एक और ट्रेड मिल चुका है, और मैंने यहाँ पे 100% अमाउंट के साथ अपवर्ड डायरेक्शन के लिए ट्रेड ओपन कर दिया है। तो यहाँ पे ट्रेड तो हमारा ओपन हो चुका है, और मैंने आपको बता देता हूँ कि मैंने यहाँ पे ट्रेड क्यों लिया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मार्केट ने पहले एक हायर हाई बनाया था, और वो भी बहुत डीप कैंडल के साथ हायर हाई बना था। उसके बाद एक मिनट मेरे को लेवल लगा दो। उसके बाद देखो मार्केट ने पहले ये ग्रीन कैंडल बनाया, बहुत बड़ा हायर हाई बना दिया, उसके बाद रेड कैंडल बना के उसे रीटेस्ट किया। तो यहाँ पे जो प्रेजेंट कैंडल के पहले वाली कैंडल है, इसकी विक देखो आप, हायर हाई से ऊपर तक गई है। तो यहाँ पे मैं श्योर हो गया था कि यहाँ से मार्केट अप ट्रेंड कंटिन्यू कर सकता है, तो इसी विक को देखते हुए मैंने यहाँ पे अप डायरेक्शन के लिए मैंने यहाँ पे ट्रेड ओपन किया था, क्योंकि मार्केट उस गैप को फिल करने के लिए जा सकता है। तो यहाँ पे आप देख भी सकते हो कि मार्केट हमारा कितना डीप विन हो रहा है। तो मार्केट अप डायरेक्शन में ही है ट्रेड हमारा, देखो, और यहाँ पे हमारा ट्रेड भी विन हो चुका है, और आप हमारे अकाउंट का बैलेंस भी देख सकते हो कि 30,000+ चला गया है। तो आगे और ट्रेड फाइंड कर लेते हैं, अगर हमें कोई अच्छा सा ट्रेड मिलेगा तो हम वहाँ पे ट्रेड भी प्लेस कर देंगे। तो चलिए कोई अच्छा सा ट्रेड फाइंड कर लेते हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमें एक GBP USD में एक अच्छा सा ट्रेड मिल रहा है। तो यहाँ पे मैं फुल अमाउंट के साथ डाउन डायरेक्शन के लिए ट्रेड प्लेस कर दिया। तो अब मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि यहाँ पे मैंने डाउन डायरेक्शन के लिए ट्रेड क्यों प्लेस किया है। तो अगर आप मार्केट को पहले देखोगे, मार्केट अप ट्रेंड में है, फिर यहाँ पे रेड ग्रीन का पैटर्न बना, और उसके बाद पैटर्न चेंज भी हुआ। देखिए रेड ग्रीन के बाद 2 रेड 2 ग्रीन, और यहाँ पे पैटर्न के अकॉर्डिंग 2 रेड कैंडल भी बननी चाहिए। तो उसी को देखते हुए मैंने यहाँ पे ट्रेड प्लेस कर दिया है, वो भी 100% अमाउंट के साथ डाउन डायरेक्शन के लिए, और ये ट्रेड हमारा 100% विन भी चल रहा है फिलहाल। तो यहाँ पे बहुत क्लोज हो रहा है
तो देखते हैं क्या होता है हमारे इस ट्रेड का रिजल्ट। तो जाना तो यार इसे नीचे ही चाहिए, क्योंकि यहाँ पे दो ग्रीन दो रेड कैंडल बन रही हैं, तो चाहे लास्ट सेकंड में विन हो लेकिन विन तो होना चाहिए। तो यहाँ पे बिल्कुल उसी पॉइंट पे, तो यहाँ पे हमारा ट्रेड तो विन हो चुका है, लेकिन बहुत ही क्लोज विन हुआ है। तो यहाँ हमारी ट्रेड हिस्ट्री भी देख सकते हो कि यहाँ पे हमारा ट्रेड सारे हमारे विन हो चुके हैं, रिफंड नहीं हुआ कोई भी, और यहाँ पे थोड़ा डिले सा चल रहा है चार्ट। तो चलिए ये ट्रेड भी हमारा विन हो चुका है, और आगे कोई और ट्रेड फाइंड कर लेते हैं, अगर कोई हमें मिलेगा तो ट्रेड क्लोज कर देंगे। तो यहाँ पे मेरे को नेक्स्ट ट्रेड यूरो यूएसडी में मिल रहा है, और मैं यहाँ से डाउन डायरेक्शन के लिए मैंने ट्रेड प्लेस कर दिया है। तो पहले मैं यहाँ पे एक और ट्रेड प्लेस कर देता हूँ, हाँ थोड़ा ऊपर आए तो यहाँ से मैंने यहाँ से फुल अमाउंट का यहाँ से मैंने ट्रेड प्लेस कर दिया है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने यहाँ पे 100% अमाउंट हमारा क्यों लगाया। तो यहाँ अगर चार्ट में आप पीछे देखोगे तो वहाँ एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल आपको दिख रहा है, तो मैं हॉरिजॉन्टल लाइन लगा के दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ इस लेवल पे आप देख सकते हो कि यहाँ से मार्केट पहले भी रिवर्सल लिया है। तो इस लेवल को मार्केट ने देखो जब पहले टच किया था, तो यहाँ से दिखाता हूँ, यहाँ से देखो, तो जब मार्केट इस लेवल को मार्केट ने पहले टच किया था, तो मार्केट ने देखो यहाँ से कितना डीप डाउन डायरेक्शन के लिए फॉल दिया था। उसके बाद यहाँ से मार्केट ने फिर ऊपर आने की कोशिश की थी, यहाँ से फिर गिरा था। तो उसी लेवल को देखते हुए यहाँ से मैंने डाउन डायरेक्शन के लिए ट्रेड प्लेस किए थे, और ये ट्रेड हमारे 100% श्योर शॉट हो चुके हैं, और हमारा अकाउंट बैलेंस 1 लाख से ऊपर जा चुका है। तो यहाँ से 5,000 से हमने 1 लाख तक की कंपाउंडिंग कर लिया है। तो आगे हमारा 50% टारगेट अभी पेंडिंग है। तो यहाँ से किसी और मार्केट कंडीशन में देखते हैं अगर कोई हमें ट्रेड मिलता है। तो चलिए हमें यहाँ पे एक और ट्रेड मिल चुका है यूरो यूएसडी के चार्ट पे। तो यहाँ पे मैं इस ट्रेड में मैं अप जाने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ आप देख सकते हो कि पैरेलल चैनल लगा के दिखाता हूँ मैं आपको कि यहाँ से मार्केट ने पैरेलल चैनल को ब्रेक किया था, और साथ ही सपोर्ट लेवल को भी ब्रेक कर दिया था, लेकिन मार्केट यहाँ से रीटेस्ट कर रहा है, मार्केट वापस ऊपर जा रहा है। तो अगर ये प्रेजेंट कैंडल ग्रीन बनेगी तो हम डाउन ग्रीन कैंडल के लिए जाएंगे। तो यहाँ देख सकते हो मैंने 100% अमाउंट हमारा ग्रीन यानी कि अप डायरेक्शन के लिए लगा दिया है। तो यहाँ से जाना तो इसे ऊपर ही है, अगर कहो तो यहाँ फिर ये डोजी बन जाएगी या तो फुल फ्लेज कैंडल बन जाएगी, लेकिन इसे जाना तो ऊपर ही पड़ेगा, क्योंकि इसे वापस यहाँ चैनल में एंटर होना है। तो चलिए देखते हैं अगर हमारा ये रिज़ल्ट क्या आता है इस ट्रेड का। तो फिलहाल तो कैंडल बहुत अच्छी चल रही है, स्ट्रॉन्ग कैंडल बन रही है, और 5 सेकंड में देख सकते हो कि मार्केट बिल्कुल अभी फ़िलहाल तो स्टेबल ही है अप ट्रेंड में, लेकिन देखिए कई बार तो लास्ट मोमेंट पे भी चेंज हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते रहें, क्योंकि ऐसी वीडियोज डेली आने वाली है। तो यहाँ कुछ लास्ट सेकेंड रह गए, और ये हमारा 100% यहाँ से मैंने आपको बोला था कि यहाँ ग्रीन कैंडल ही बनेगी, तो यहाँ से हमारा ये ट्रेड भी विन हो चुका है, और हमारा अकाउंट बैलेंस 1,90,000 के अराउंड हो चुका है। तो चलिए आगे एक और ट्रेड फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि हमारा अभी थोड़ा सा टारगेट पेंडिंग है। तो चलो कोई और श्योर शॉट ट्रेड फाइंड करते हैं, अगर हमें कोई भी ये ट्रेड मिलता है तो मैं फिर से फुल अमाउंट अपना ट्रेड में लगा दूंगा, और हमारा अकाउंट बैलेंस 3 लाख प्लस चला जाएगा। तो चलिए यहाँ पे अगर देखते हैं कोई अगर शोर शॉट पैटर्न मिलेगा तो वहाँ पे ट्रेड करेंगे। तो यहाँ मुझे एक फिर से पैटर्न दिख रहा है हमारा, तो इस कैंडल के बाद मैं अप डायरेक्शन के लिए जाने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ से मार्केट अपना ट्रेंड कंटिन्यू कर सकता है, अप ट्रेंड में है मार्केट, तो ट्रेंड के खिलाफ तो हम बिल्कुल भी नहीं जाएंगे, अप ट्रेंड में ही जाएंगे अगर अप का ट्रेड लेंगे। तो चलो देखते अगर ये कैंडल रेड में क्लोज हुई तो मैं कॉल के लिए जाऊँगा और फुल अमाउंट अपना यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे मैंने अपना फुल अमाउंट यूज़ कर लिया है अप डायरेक्शन के लिए, क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने यहाँ पे कॉल ऑप्शन के लिए क्यों ट्रेड प्लेस किया है। तो यहाँ अगर आप पीछे देखोगे तो मार्केट ने यहाँ से पहले तो एक कंटिन्यू अप ट्रेंड में चल रहा है,
और उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे देखो लास्ट की 3 कैंडल ग्रीन बनाई है। लास्ट की 3 कैंडल ग्रीन बनाने के बाद मार्केट ने एक रेड कैंडल की फॉर्मेशन दिया और उसके बाद ये हमारा शॉर्ट शॉर्ट पैटर्न बन चुका है जिसको मार्केट अब कंटिन्यू करेगी। यहाँ से ये प्रेजेंट वाली कैंडल ग्रीन ही बननी चाहिए और ये कैंडल मिनिमम हमारा ये जो रेजिस्टेंस लेवल है वहाँ तक जानी चाहिए क्योंकि इसे गैप भी फिल करना है वहाँ तक का। तो ये ट्रेड अगर हमारा विन हुआ तो हम 3 लाख प्लस के बैलेंस में चले जाएंगे। तो यहाँ पे लास्ट के कुछ सेकंड बाकी हैं और देख लेते हैं हमारा ये ट्रेड का रिजल्ट क्या गया था। तो ये ट्रेड भी हमारा शॉर्ट शॉर्ट विन हो चुका है और हमारा अकाउंट बैलेंस 3,50,000 प्लस चला गया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना क्योंकि ऐसी रेगुलर वीडियोज़ आने वाली हैं।